हेलो फूडीज, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऑल इन वन मसाला पाउडर की रेसिपी। आप चाहे तो इसे करी पाउडर भी बोल सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इस करी पाउडर का यूज़ करके आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं, वो भी टेस्टी और मज़ेदार। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को शेयर किया है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स करी पाउडर के लिए लिए हैं, वो आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे पैन गरम करने रखा था। पैन गरम होते ही मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया है मेथी के दाने यानी फेनिग्रीक सीड्स। अभी मैंने यहाँ पे एक चम्मच तुअर की दाल और एक चम्मच चने की दाल ली है। दोनों मिक्स करके मैंने यहाँ पे लिए हैं। सांभर पाउडर में जैसे दाल का यूज़ होता है ज़्यादा क्वान्टिटी में, वैसे दाल यहाँ पर नहीं लेनी है हमें। अभी मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच उड़द की दाल ली है। दाल की क्वान्टिटी मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर दाल ली है। सांभर पाउडर जैसे करी पाउडर में ज़्यादा दाल का यूज़ नहीं होता है। अभी 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें दाल को अच्छे से भून लेना है, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। 1 से 1.5 मिनट तक दाल को अच्छे से मैंने भून लिया है। देख सकते हैं कलर भी इसका अच्छे से चेंज हो गया है। एक एक करके सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद थाली में निकालते जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने लिए है धनिया के बीज यानी कोरिएंडर सीड्स। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। सारे इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से लें। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए। जितनी क्वांटिटी में आपको करी पाउडर बनाना है उसके हिसाब से सारे आप इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट्स भूनते समय मैंने यहाँ पे तेल का यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही ड्राई रोस्ट हमें कर लेना है। धनिया के बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर लिया है यानी काली मिर्च। इस करी पाउडर में ब्लैक पेपर का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे आधे मिनट के लिए हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी इसमें डालेंगे 7 से 8 हरी इलायची। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से लग सकते हैं। इस करी पाउडर में इलायची का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। साथ में मैंने थोड़ा सा टुकड़ा नटमेग का यानी जायफल का लिया है। जायफल का बहुत ही बढ़िया यूनिक फ्लेवर होता है। अभी मैंने यहाँ पर 15 से 20 लौंग ली है। लौंग की भी क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी इन चीज़ों को हमें एकदम स्लो गैस पर ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इन चीज़ों को रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और स्लो गैस पे अच्छे से भुन जाती है। अभी अच्छे से भुनने के बाद इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए 2 टेबल स्पून के करीब जीरा। आप चाहे तो सादा जीरा या शाही जीरा भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है सौंफ। इन दोनों को मैं एक साथ यहाँ पर भून रही हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा भुनना नहीं होता है, सिर्फ 1/2 मिनट के लिए इनको हल्का सा गर्म करना होता है। अच्छे से गर्म होने के बाद इन्हें भी अलग से निकाल के लेना है। अभी मैंने यहाँ पे 5 से 6 लाल सूखी मिर्च ली है। ये थोड़ी तीखी वाली मिर्ची है। इसकी क्वांटिटी आप चाहे तो कम ज़्यादा ले सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काली मिर्च और लौंग का भी यूज़ किया है, जो थोड़ा सा इसमें स्पाइसीनेस लाएगा करी पाउडर में। अभी इन लाल मिर्च को हमें एकदम स्लो गैस फ्लेम पर भूनना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही मिर्ची हमारे अच्छे से क्रिस्पी भुन जाएंगी उसको निकाल लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी भरकर करी पत्ते लिए हैं। मैंने इन करी पत्तों को अच्छे से धो के सुखा के रखा था। करी पत्तों को अच्छे से धो के सुखा के रखेंगे तो जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। स्लो गैस पर ही हमें इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक ये क्रिस्पी हो ना जाए। अभी यहाँ पर करी पत्ते अच्छे से रोस्ट हो गए, इसे निकाल कर रख देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप लहसुन की कलियाँ ली है। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की लहसुन की कलियाँ ली है, और साथ में इन लहसुन की कलियों को हमें थोड़ा सा क्रश कर लेना है हेमदस्ते से। इससे क्या होगा कि ये जल्दी से और अंदर तक अच्छे से भुन जाएगी और हमारा इसे भुनने का टाइम भी बच जाएगा। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि छोटे साइज़ की लहसुन की कलियाँ लें और उसे थोड़ा सा क्रश कर। जब तक लहसुन का छिलका अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक इसे हमें 10 से 12 मिनट के लिए लो गैस पे फ्लेम अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट लहसुन को अच्छे से स्लो गैस पे भूनने पे एकदम छिलके से ब्राउन हो गया है और क्रिस्पी हो गया है। तो इसी तरह हमें लहसुन को अच्छे से भून लेना है, तभी अच्छे से पीसेगा। पाउडर में पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पीस जाती है और पाउडर हमारा चिपचिपा नहीं बनता या ऑयली नहीं बनता है, एकदम सूखा सूखा ड्राई पाउडर बनता है। तो यहाँ पर लहसुन की कलियाँ अच्छे से भून गई है, इसे भी निकाल के रखेंगे। सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे थाली में अलग से निकाल के रखा है और इन्हें हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। गरम गरम ही इसे नहीं पीसना है, जब तक ये पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए तब तक हमें इसे पीसना नहीं है। आप चाहे तो इन्हें पंखे के नीचे रख के अच्छे से ठंडा कर ले पहले। मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से ठंडे हो गए, तो मैंने इसे मिक्सर जार में डाल लिया है। अभी इसे हमें अच्छे से एकदम फाइन पाउडर होने तक पीसना है।
ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल मसाले हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए हैं। अभी फाइनल हमारा इंग्रेडिएंट्स बचा है हींग। आप चाहे तो नॉर्मल हींग भी ले सकते हैं, या आपके पास कड़ा हींग मिलता है काला वाला एकदम ऐसे स्टोन ब्लैक स्टोन जैसा रहता है वो भी मिल सकता है तो आप ले सकते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाला हींग लिया है। इससे इस करी पाउडर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और बाद में आप जब कोई रेसिपी बनाते हो तो उसमें अलग से हींग डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी इसे हमें अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। अगर आप एक बार में पीस पाते तो एक बार में पीस ले, या आप चाहे तो दो बार में पीस सकते हैं अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो रही है, पाउडर अच्छे से पीस नहीं रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया और एकदम ड्राई फ्री फ्लोइंग करी पाउडर बनके तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके करी पाउडर बनाएंगे तो आपका करी पाउडर बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है और आप इस करी पाउडर को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारी रेसिपी बना के एंजॉय कर सकते हैं। इस करी पाउडर को आप एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें तो आप इसे कितने भी दिन तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे आने वाली मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स भी शेयर करें।